सिंधिया जी एक सीएम है। सिंधिया सिंधिया सीएम दोनों। सीएम साहब निकल गए क्या? मैं हूँ ना कोई बढ़िया शॉट बना देना सीएम साहब। जो हमारा एंट्रेंस वहाँ से होगा, सामने से हटो, सामने से अंदर आने का वहाँ से पीछे आ जाए, पीछे आ जाए और आ जाओ, जरा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सब लोग। हाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बैठ के अपने आप मैंने डिजाइन किया, जरा थोड़ा सा अरे मोबाइल नीचे करा। मोबाइल नीचे, पूरा मंदिर वहाँ रिपोर्ट। ऊपर आप देख सकते हैं ग्वालियर का नागर विमान जब आपके राजगोपाल जी आए थे, राजे ने प्रसाद जी आए थे एम आई टी एस के कार्यक्रम शिलान्यास करने के लिए, सरदार पटेल जी आए थे, ये सारे ग्वालियर का नागर विमान का है। ऊपर पूरा किले की नाकाशाही पीछे रखो भाई थोड़ा। उनकी लड़की मीता पंडित अब गाती है, वो मीता नीचे है, मीता वो बैठी हुई सरोज के पूरे सरोज सरोज वीणा के साथ। ऊपर कृष्णराव पंडित जी हैं, वो बैजू बावरा है अंदर वहाँ, यहाँ तानसेन जी हैं, ये पूरे ग्वालियर की संगीत बजाने और श्लोक लगाए हैं। आप देखिएगा जब बेजू बाबा जी गाते थे तो जो डियर थी वो हिप्नोटाइज हो जाती थी, हिरन हिल नहीं पाती थी और चिराग जल जाते थे। तो आप देखिए वहाँ एक दिया जलाया है, इसीलिए रंगोली हर तरफ सर ने कहा था दियों की बनाओ। तो आप जब चलेंगे आप देखेंगे दियों की रंगोली। वहाँ पीछे किला ग्वालियर किला की आकृति है, यहाँ तानसेन का मकबरा की आकृति है, वहाँ जयवंत। अब इसका बताओ आप क्यों निर्माण। अब ये आप देखेंगे पैनल्स हैं और सर के ये आदेश थे कि जितने काम होते हैं वो काम इसमें होंगे। तो आप देखिए कुछ ऐसे कॉन्केव हैं, कुछ कॉन्वेक्स हैं, कुछ सीधे हैं, ऊपर से टंगे हैं। ग्वालियर का हर वो पुराना किला या मॉन्यूमेंट या मंदिर है, प्रिंट होता है, बीड्स, एम्ब्रॉयडरी, नक्काशी, माने हर चीज जो होती है कपड़े पर। यहाँ ये हमारे जैन समाज के पूरे वहाँ होता है, हमारे आपके सामने आपके केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव राज्यपाल महिलाओं ने ये उन लोगों ने बनाया। यहाँ से लगभग बढ़ रहे हैं।